अरे ये तो ऑटो वाला है यार। वही तो। ए रुक जाओ। ए रुक जाओ। ए इतिहास में टेलरों की प्रमुखता क्या है? कम से कम 10 शताब्द पहले वेंगी राजाओं ने शासन किया प्रांत है। कैन यू नेम इट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ योर प्लेस? टेलरू। सारे आईएएस ऑफिसर करप्ट है, सी अफवाह है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? पूरे सिस्टम ही करप्ट है सर, तो सारे करप्ट है सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्या आप में से कोई ऑफिसर्स हैं जो करप्ट नहीं है? हैदराबाद में हुए रेपिस्ट लैब एनकाउंटर पर तुम्हारी क्या राय है? अराजकता है। कैसे? सबके लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है सर। आलसीपन, देरी करना, पक्षपात से जनता का न्याय व्यवस्था के ऊपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्था। इस पर राजनीति ने टेम्पररी सोल्यूशन जो ढूंढा था वो था एनकाउंटर। अगर वही उन रेपिस्ट में से कोई मंत्री का बेटा हो तो क्या उसका एनकाउंटर होगा सर? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गांव में इंटरकास्ट मैरिज करने वाली एक युवा जोड़ी का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरा गांव एक लड़के पर एसिड अटैक कर रहा है। पहले आप कौन से गांव जाएंगे? जो गांव नजदीक होगा उसी गांव में पहले जाऊंगा सर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन सर? 22 में पहले कौन सा दो आता है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो वो करेक्ट ही होगा। तो वो पर्सनैलिटी इंटरव्यू कैसे हुआ सर? या फिर सिस्टम में एंटर होने से पहले ही राइट या रॉन्ग नहीं होता ये कहकर कॉम्प्रोमाइज करना सिखा रहे हो? मिस्टर अभिराम, are you challenging the integrity of this board? No sir, I'm challenging the integrity of the entire system sir. To phir is attitude ke sath us system mein kaise fit hoge? Fit hone ke liye system hi kahan hai sir? Rajkiy nayak, sarkari naukar, court ke teen ghode samvidhan ko samanta se khinchte hue ek dusre ki galti ko khandit karte hue aage badhenge tabhi ye gaadi sadak par rahegi sir. पर सत्ता की नशे में धुत ये राजकीय घोड़ा अगर रास्ता भटक कर बाकी के दो घोड़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा है तो सिस्टम कैसे बचेगा सर? कई लाखों लोगों को फिल्टर करके मिले हुए वैल्यूएबल प्रिंट्स को सिस्टम में धकेला जा रहा है पर उन्हें सच्चाई के साथ काम करने का मौका कहां मिलता है सर? अगर ये पर्सनैलिटी इंटरव्यू है तो ये पर्सनैलिटी वहां कैसे मिस हो रही है सर? जिन्हें समाज में रहने का हक नहीं है वो गुंडे दिन दहाड़े मासूम बेकसूरों की जान ले रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने वाली व्यवस्था ही उन्हें पाल रही है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटरव्यू में आया हूं सर। उन्हें ये पावर किसने दी सर? इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर सोचता है कि वो नेता उसकी जिंदगी बदल देगा। हमेशा लूटने की कोशिश में ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिशियन, जनता के लिए काम ना करके साहूकारों के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, इस जाल में फंसकर हमारी जिंदगी कोई नहीं बदलेगा सोचकर अपना वोट बेचकर जी रहे हैं वोटर। चक्र पूरा हो गया सर। इस व्यवस्था में एक और आईएएस ऑफिसर आएगा तो क्या, जाएगा तो क्या, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई और रहे। 75 साल से सरकार है इसी भ्रम में जी रहे थे सर, पर उस सरकार की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता सर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस इंटरव्यू सर इफ नॉट अ स्यूडो इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन? मिस्टर अभिराम, इस टेम्परमेंट के साथ आप इस फील्ड में काम नहीं आओगे।
आई एम सॉरी. थैंक यू सर. मैंने भी यही रियलाइज किया है. एक सिविल सर्वेंट के साथ ईगो क्लैश की वजह से मैं इस गेम में आया था, पर आते वक्त रास्ते में ही समझ आ गया था इस खेल में रूल्स नहीं है, बल्कि ये खेल ही नहीं बस खिलवाड़ है. सॉरी चाचा जी. ये मेरे भैया की कंपाइल की हुई रिसर्च रिपोर्ट्स है अंकल, घर खाली करते वक्त मिली थी. मुझे तो ये पक्का एक पॉलिटिकल मर्डर लगता है. आई विश आई कुड हेल्प, बट सिस्टम ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो फिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ. मैं यूएस जाते ही WHO में रिपोर्ट कर दूंगी. आप यहाँ से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? हे मामा जी, घर पे आ गए. IAS बन गए क्या? इंटरव्यू का क्या हुआ? होना क्या है, आपकी इच्छा के मुताबिक ही हुआ है अंकल. ये इंटरव्यू में हार गया. आप जाकर वापस वही टिकट्स बुक कीजिए. इस बार बिजनेस क्लास में बुक करता हूं. बाय. दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, लेट मी नो व्हेन यू आर देयर. मैं आकर तुम्हें पिक कर लूंगी. अभी तुम जैसे लोगों को इस सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाहर रहना चाहिए, यही देश के लिए अच्छा होगा. जस्ट टेक इट इजी अभी. होप आई विल सी यू सून. बाय आंटी. बाय. बाय. बाय अंकल. बाय प्रिया. बाय अंकल. यू जस्ट स्टे विद अस व्हेन यू केम टू US. फॉर श्योर. बाय. आउट. चल बैठ दे मुझे. एक टप्पा पे आउट हो जाएगा बोला था ना? पर स्ट्रेट कैच लिया ना? ऐसा तो आप नहीं बोले थे. अरे ये तो अभी से करप्शन किंग बन गया यार. चल बैठ दे मुझे. मैं नहीं दूंगा. अरे मैं नहीं छोडूंगा. बोला ना नहीं. छोड़ पहले. बैठ. छोड़. तेलुगु के निवासी मिस्टर अभिराम ने IIT में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर गोल्ड मेडल जीत लिया है. पिछले चुनाव में इसी युवक ने चुनाव की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था और खबरों में बना हुआ था. इतना ही नहीं, इस युवक ने पहले ही अटेम्प्ट में IPSC क्रैक कर लिया है, जो कि काबिले तारीफ है. इस युवक के इंटरव्यू से कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ सारे पैनल मेंबर्स इम्प्रेस हो गए हैं. अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों से उनके लिए ऑफर्स आ रहे हैं. सी, एनी न्यू मेडिसिन और वैक्सीन सैंपल टेस्ट में सक्सेस होने के बाद ही मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं. बिल्कुल वैसा ध्यान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में भी अप्लाई करने पर ही वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी होगा. मैं जब से कैबिनेट सेक्रेटरी बना तब से चाहे जो पार्टी हो, सारे देश में इंप्लीमेंट करने से पहले एक ब्रिक लेवल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है. मिस्टर अभी, यू आर दैट एक्सपेरिमेंट. आगे भविष्य में UPSC कलेक्टर को बनाने के अलावा उन पर राज्य सरकार के जो भी अधिकार हैं, उन्हें भी अपने हाथों में लेकर इसी दिशा में केंद्र सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव अरेंजमेंट बिल का प्रस्ताव लाया है. एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हें अनलिमिटेड पावर्स मिलेंगी. किसी भी पॉलिटिशियन को तुम्हें ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा. ये एक ही कम्फर्ट तुम्हें मिलेगा. इस प्रपोजल के लिए पहले प्रयोग के लिए IAS टॉपर अभिराम को UPSC बोर्ड पश्चिम गोदावरी जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है. इस 25 साल के बैचलर के काम के ऊपर ही इस बिल का भविष्य निर्भर करता है. ये केंद्र सरकार के नेतृत्व के अन्याय का एक और निदर्शन है. इट इज एंटी फेडरल एंड वी आर स्ट्रॉन्गली अपोजिंग दिस बिल. इट इज रेडिकुलस, अनडेमोक्रेटिक. देश की सारी क्षेत्रीय पार्टियां